आईडी टीवी प्रेजेंट सब्सक्राइब कीजिए दैनिक इंडिया दर्पण चैनल को और बेल आइकन दबाइए अपकमिंग अपडेट्स के लिए। राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम, देखिए टीआईडी में आज की मुख्य खबरें। बीस वर्षों से राजनीति से अलग अपने निवास पर गुरु नानक जी के प्रकाश उत्सव पर मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र के सिख संगत को आमंत्रित कर सुभाष सचदेवा सम्मानित करने का काम करते रहे हैं। डीआईडी चीफ ललित सुमन से बात करते हुए पूर्व विधायक सुभाष सचदेवा ने कहा कि कार्तिक मास का प्रभात फेरी सभी के लिए धार्मिक व स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभकारी होता है। रविवार सुबह मानसरोवर गार्डन स्थित श्री सचदेवा के निवास स्थान पर अखिल भारतीय विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार, दिल्ली प्रांत संघ चालक श्री प्रशांत, श्री दयानंद संगठन मंत्री श्री सिद्धार्थन, अकाली दल के महामंत्री मजिंदर सिंह सिरसा, पूर्व उद्योग मंत्री दिल्ली सरकार हरशरण सिंह बल्ली, पूर्व मेयर सुभाष आर्य सहित भाजपा के स्थानीय वर्तमान व पूर्व निगम पार्षद के साथ साथ धार्मिक, सामाजिक, व्यापारिक, औद्योगिक संगठनों के गणमान्य हस्ती श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश उत्सव पर आयोजित कीर्तन दरबार में पहुंचकर आशीर्वाद प्राप्त किया। सुबह 3:45 पर कमलानगर सत्यवती स्टोर में रूपनगर थाने के एडिशनल एसएचओ राजकुमार की टीम ने दो चोर पकड़े, देखे वीडियो। कुछ नहीं होगा, बता दे कितने आदमी हो। नितिन और देखो, और देखो पेटी के पीछे कहीं और देखो। पश्चिम जिला डीसीपी आईपीएस मोनिका भरद्वाज के अनुसार तीन बदमाश चोरों की गिरफ्तारी से कीर्तिनगर पुलिस को अंतरराज्य वाहन चोर गैंग का भांडाफोड़ करने में सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस के अनुसार पिछले कुछ समय से इलाके में वाहन चोरों का काफी आतंक देखा जा रहा था। इसी कड़ी में पुलिस को दो क्रेटा गाड़ियों की चोरी की सूचना EFIR से मिली। मामले की गंभीरता को देखते हुए ACP पंजाबी बाग रमन लांबा के पर्यवेक्षण में इंस्पेक्टर अनिल कुमार शर्मा SHO कीर्तिनगर द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जिसमें SI सुरेश चंद, हेड कांस्टेबल संजीव, राकेश कांस्टेबल कुलदीप, संदीप व बीरी सिंह शामिल थे। चोरी की एक गाड़ी में लगे GPS से पुलिस को गाड़ी के औरंगाबाद में होने का पता चला। 379 किलोमीटर तक पीछा कर एक वर्कशॉप में तीनों आरोपियों को कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार किया गया। तीनों की पहचान मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद कुल्लू उर्फ मोबिन और मोहम्मद आमिर के रूप में हुई।
तीनों के पास से 5 लग्जरी गाड़ियां व चोरी के औजार बरामद हुए हैं। मारपीट मामले को लेकर सुर्खियों में आए दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश का तबादला कर दिया गया है। उन्हें अब केंद्र सरकार में एडिशनल सेक्रेटरी टेलीकम्युनिकेशन के पद पर भेज दिया गया है। पंजाब के अमृतसर में आज निरंकारी भवन पर ग्रेनाइट हमले में 3 लोगों की मौत हो गई और करीब 10 लोग घायल हुए। अमृतसर में हमले के बाद दिल्ली में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय भूषण पांडे देश के नए राजस्व सचिव होंगे। देश के कई राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में कांग्रेस दलितों के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने की तैयारी में है और इसी के तहत वह आगामी 26 नवंबर को दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। राजधानी में निर्माण तकनीक का एक और नया मॉडल दिखाई देगा। दक्षिणी दिल्ली में मेहरौली बदरपुर रोड पर दिल्ली सरकार 5.5 किलोमीटर लंबा एलिवेटर कॉरिडोर बनाएगी। नई दिल्ली में लगा 38वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला रविवार से आम लोगों के लिए खोल दिया गया। यहां कई देशों के साथ अपने पड़ोसी राज्यों की खास खास चीजों को आप देख सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राजधानी में अवैध निर्माणों के खिलाफ तेजी से कार्यवाही के लिए 31 अफसरों का जो ग्रिड बनाया गया था उसके तमाम अफसरों के खिलाफ ही अब क्रिमिनल केस दर्ज कराने की तैयारी की जा रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल की किराए बढ़ाने पर उठ रही मांग को लेकर दिल्ली सरकार ने कमेटी गठित कर दी है। इस संबंध में कमेटी 30 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। साउथ दिल्ली के सरिता विहार स्थित डीडीए फ्लैट में 73 साल की बुजुर्ग महिला की शनिवार शाम गला रेतकर हत्या कर दी गई। सबरीमाला में हर उम्र की महिलाओं के प्रवेश को लेकर सियासी संग्राम जारी है। इस बीच में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी के महासचिव सुरेंद्रन की गिरफ्तारी के विरोध में रविवार को राजमार्गों को अवरुद्ध कर दिया। ये है डीआईडी में खबरें अब तक। इंतजार कीजिए कल तक।